नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पार्ट 10 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। दोस्तों आज हम बेसिकली एक अलग ही गवर्नेंस सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे यूजुअल गवर्नेंस सिस्टम से ये गवर्नेंस सिस्टम डायरेक्टली वर्क करता है विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। हम देखेंगे कि हमको ऐसा गवर्नेंस सिस्टम डेवलप करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों एज वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी एंड सो वी आर स्ट्राइविंग एवरी डे फॉर द गुड गवर्नेंस फॉर आर पीपल। दोस्तों हम देखेंगे जब हम ये दोनों जब ये पूरा पार्ट 10 डिस्कस कर चुके होंगे कि ये कैसे पूरा सिस्टम एक गुड गवर्नेंस की ओर लीड कर रहा है। दोस्तों हम जानते हैं गवर्नेंस का मतलब होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाना या लोगों को गवर्न करना, बट द गुड इन दिस गुड गवर्नेंस एड्स अ वैल्यू इन इट, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो दोस्तों आज जो ये हमारा पार्ट 10 है ये बोलता है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इस पार्ट 10 में आते हैं दो आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244A विच डील्स विद दीस स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इन द गवर्नेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। अब दोस्तों बात ये है आर्टिकल 244 में जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि दोस्त फिफ्थ स्केड्यूल जो है, एज वी नो आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 स्केड्यूल्स, तो 244 का क्लॉज 1 बोलता है दोस्त कि फिफ्थ स्केड्यूल में जितने भी प्रोविजंस हैं इट शेल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में फिफ्थ स्केड्यूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी पूरे इंडिया में फिफ्थ स्केड्यूल हर स्टेट में अप्लाई होगा। वहीं अब आते हैं हम हमारे आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 पे। यहां हमने डिस्कस किया क्लॉज 1, यहां हम डिस्कस करेंगे क्लॉज 2। क्लॉज 2 ये बोलता है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा सिक्स्थ स्केड्यूल है, हमारा जो सिक्स्थ स्केड्यूल है इट विल अप्लाई टू द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओनली, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि हमने यहां पे छोड़ दिया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गवर्नेंस सिस्टम की विच इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फिफ्थ स्केड्यूल एंड सिक्स्थ स्केड्यूल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिफ्थ स्केड्यूल से। देखिए फिफ्थ स्केड्यूल जो है दोस्तों इट इज डीलिंग विद द स्केड्यूल एरियाज। हम हमारे कंट्री में कुछ टाइप के एरियाज बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्केड्यूल एरियाज, विच इज मेनली मेड फॉर द ट्राइबल पीपल लिविंग देयर, दैट इज स्केड्यूल ट्राइब्स। अब दोस्तों बात यह है कि हमें ऐसे अलग एरिया बनाने की या इन लोगों को अलग तरीके से गवर्न करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखते हैं क्यों। बिकॉज दीज एरियाज आर इनहेबिटेड बाय एब ओरिजिनल्स। अब आपका सवाल यह होगा कि एब ओरिजिनल्स क्या होंगे, तो देखिए एब ओरिजिनल्स क्या होते हैं। दोस्तों एब ओरिजिनल जो होते हैं दीज आर द इथनिक ग्रुप्स ऑफ इंडिया विच आर कॉल्ड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द 1971 के सेंसस के हिसाब से दोस्तों हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं 5479 49809, ऑफ विच हमारी जो स्केड्यूल ट्राइब्स थी वो सिर्फ 7% थी ओवरऑल पॉपुलेशन की। मगर जैसा हम जानते हैं हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन है इट हैज नाउ इंक्रीज टू 135 मिलियन, मगर जो इनकी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है वो अभी भी जो 10 साल पहले था वो वही है। दोस्तों ये लोग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और खासकर ये जो ट्राइब्स पीपल हैं इट इज इन अ वास्ट मेजोरिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसा कि हम जानते भी हैं नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यू कैन सी द परसेंटेज हियर। और मैं आपको बता दूं कि हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड ओनली इन द 3 स्टेट्स, दैट इज मध्य प्रदेश, बिहार एंड ओडिशा। यू कैन सी द पॉपुलेशन लिविंग इन दीज 3 स्टेट्स। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो एब ओरिजिनल्स हैं ये हमारे ही लोग हैं विच आर सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो हमको इनके लिए काम करना था। एज वी नो ना कि गुड गवर्नेंस, वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी, वी वांट टू गवर्न आर पीपल इन द वे विच इज गुड। तो दोस्तों इसीलिए हमने इनके लिए एक अलग प्रोविजन बनाया फिफ्थ स्केड्यूल में विच डिफाइन स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स को गवर्न करने का तरीका, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे गवर्नेंस कैसे चलेगा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत आसान चीज है, ये हमको बस समझना था। देखिए होल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो है
ये इन जगहों पे स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो बाकी जगह चलती है वो एक्सटेंड नहीं होती है. इन दीज एरियाज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. अब इन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किस तरीके से, कैसे, कि यहां पे जो ये एरिया बनेगा, ये एरिया को डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति कौन होगा दोस्तों? प्रेसिडेंट. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम फिफ्थ स्केड्यूल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि स्केड्यूल एरिया बताने वाला प्रेसिडेंट है, मगर यहां पे गवर्नेंस चलाने वाला पूरा व्यक्ति होगा वो गवर्नर. वहीं हम जब सिक्स स्केड्यूल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हर चीज करने वाला गवर्नर होगा. देखते हैं क्या दोस्तों, डिक्लेयर कौन करेगा ये एरिया? प्रेसिडेंट करेंगे. अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जो हर स्टेट में, या मान लीजिए एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं तमिलनाडु का, मान लीजिए पूरे तमिलनाडु में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक तरीके की काम कर रही है, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कितना पार्ट किस मॉडिफिकेशन से इंप्लीमेंट होगा इस स्केड्यूल एरिया में, ये बताएंगे गवर्नर साहब. गवर्नर विल टेल कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए आपकी इस किसी भी रूल में जो पूरे स्टेट में चल रहा है, या फिर क्या एक्सेप्शंस होने चाहिए. उसी के साथ में दोस्तों, जो गवर्नर है वो डायरेक्टली रूल नहीं करते, वो रूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. ध्यान रखिएगा, हर स्केड्यूल एरिया में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है, ये हमारे संविधान में मेंशन है. तो गवर्नर विल रूल और विल गवर्न थ्रू ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. मैं और आपको एक चीज और बता दूं कि गवर्नर को रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ती है प्रेसिडेंट को, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और ईयरली बेसिस पे तो करना ही पड़ती है, तो ये इस तरीके से चेक भी हो जाता है. तो दोस्तों आते हैं वापस, गवर्नर गवर्न करेंगे थ्रू ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. अब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में क्या होगा दोस्तों, यहां पे होते हैं 20 मेंबर. 20 मेंबर में से, ये पूरी फैक्चुअल चीज है, ये हमको याद रखना है, 20 मेंबर होते हैं, इसमें से 3/4 जो होते हैं, इन्हीं 20 मेंबर के 3/4 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे स्केड्यूल ट्राइब को इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. किस लेजिस्लेटिव असेंबली में? अगर हम अभी बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली में इस 3/4 रिप्रेजेंटेशन होगा स्केड्यूल ट्राइब का. तो ये हमने देखा कि कैसे गवर्न हो रहा है. उसके बाद में एक पॉइंट और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर स्केड्यूल एरिया में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसके थ्रू की गवर्नर गवर्न करेंगे. स्केड्यूल एरिया है तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होना जरूरी है, मगर कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पे स्केड्यूल एरिया तो नहीं हो मगर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हो. मगर ऐसा होने के लिए क्या चीज जरूरी है? डेट एरिया मस्ट हैव द स्केड्यूल ट्राइब्स देयर, तभी तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाओगे ना उनको गवर्न करने के लिए. तो इस तरीके से यह चीज गवर्न होगी. उसी के बाद में दोस्तों, गवर्नर कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन इनी स्केड्यूल एरिया के लिए फॉर पीस, मतलब शांति के लिए, लैंड ट्रांसफर के लिए, वहां पे लैंड अलॉटमेंट किस तरीके से होगा वो ये पाबंदी लगा सकते हैं कि स्केड्यूल ट्राइब के अलावा वहां पे कोई व्यक्ति लैंड नहीं खरीद सकता. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो ये चीजें गवर्नर बाध्य करेंगे, फॉर विच ही विल रिक्वायर द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट. अगेन देखिए, वापिस से चेक आ गया, एक्सेंट लगेगी प्रेसिडेंट की. उसी के बाद में दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इट ऑल्सो रिक्वायर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन, क्योंकि अब ये जो काम चल रहा है इसको हमको सर्वे करना पड़ेगा ना कि ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे दोस्तों इन स्केड्यूल एरियाज की वर्किंग को देखने के लिए. ये कमीशन, आपका सवाल होगा क्या कभी फॉर्म हुई है? बिल्कुल हुई है. इन 1960 एज 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, ऐसा बोला था कि आपको 10 साल बाद तो बिल्कुल करनी है, तो 1960 में हमारे प्रेसिडेंट ने बनाई थी धेबार कमीशन. एंड इन 2002 आफ्टर इट बनी थी दिलीप भूरिया कमीशन, इनकी स्टडी करने के लिए कि यहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चेंजेस हमको रिक्वायर है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ स्केड्यूल. नाउ वी आर मूविंग टू आर सिक्स्थ स्केड्यूल, जो कि निकला है आर्टिकल 244 के सेकंड क्लॉज से, जैसा कि हमने देखा था. अब दोस्तों ये बात करता है ट्राइबल एरियाज की. अब ये जो ट्राइबल एरियाज है, देखिए ये जो ट्राइबल एरियाज है ये क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि यहां पे जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहां के जो लोग हैं, यहां के लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, राइट. अब यहां के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स अलग है? क्या यहां के ट्राइबल लोग बिल्कुल अलग है जो हमारे पूरी कंट्री में ट्राइबल लोग और नहीं है क्या?
जो यहां पे ही सिर्फ इन चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमको ये सिक्स स्केड्यूल में डालने की जरूरत पड़ी, तो हां बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों। ये जो चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पे ऐसा माना जाता है कि जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वहां के लोग अभी तक अपने रूट से, अपने कस्टम से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। उनकी जो आप देखेंगे भी बहुत सारी स्टडीज हुई है कि उनको बाहर की दुनिया के वो ट्रेड भी नहीं करते हैं कई लोग, तो दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट, देयर ट्रीज एंड दे ऑल्सो वर्शिप द ट्रीज। तो दोस्तों इन तरीके के लोगों के लिए हमने सिक्स स्केड्यूल में इनको एक अलग जगह दी ताकि इनका गवर्नेंस जो है ये अपने हिसाब से चला पाए। तो देखते हैं इनका गवर्नेंस ये लोग कैसे चलाते हैं। देखिए यहां पे गवर्नर के थ्रू हर चीज चलने वाली है। कैसे? गवर्नर बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे बनेगी दोस्तों हर ट्राइबल एरिया में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कैसे बनती दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा, हर स्टेट में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला कौन है? गवर्नर। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक स्टेट में बनी है, मतलब कि एक स्टेट में बहुत सी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बन सकती हैं, उसमें से भी अगर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी ट्राइब्स रहती हैं तो उन अलग अलग ट्राइब्स के लिए अलग अलग रीजनल या फिर ऑटोनोमस रीजन काउंसिल बन सकती है, जिसको कि अगेन डिवाइड कौन करेंगे? हमारे गवर्नर साहब, राइट। तो यहां पे ये लिखा है मैंने, गवर्नर कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर कैन डिवाइड इन ऑटोनोमस रीजन इफ मोर ट्राइब इज प्रेजेंट इन वन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहां पे चीज आती है दोस्तों कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ये गवर्न कैसे होगी, या ये जो रीजनल काउंसिल्स बनेंगी ये गवर्न कैसे होगी। अगेन ये वैसे ही गवर्न होंगी जैसे हमने यहां पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल देखी थी, 20 मेंबर्स, इनका कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ये लोग क्या क्या रूल्स बना सकते हैं एक्सेट्रा। यहां पे हम देखेंगे कि जो मेंबर है वो हो जाते हैं 30, वहां पड़े थे 20, यहां हो जाएंगे 30। ये 30 मेंबर्स में दोस्तों 26 जो होंगे वो तो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड की टर्म पीरियड कितनी रहेगी? 5 साल की। वही 4 होते हैं नॉमिनेटेड, नॉमिनेट कौन करेगा? अगेन गवर्नर। ये कब तक रहेंगे? टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। उसी के बाद में ये जो काउंसिल है क्या करेगी? इट मेक लॉज ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स, इट कैन मेक लॉज, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, मगर इन सारे लॉज को अगेन एक्शन की जरूरत पड़ेगी, किसकी? गवर्नर साहब की। दे कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट्स, ध्यान से देखिए ये अपने कोर्ट्स भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोर्ट्स जो है ये पूरे स्टेट के लिए नहीं बनेंगे, ये कोर्ट्स सिर्फ उनकी काउंसिल या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूटेड एरिया के लिए बनेंगे जो गवर्नर साहब ने डिसाइड किए हैं। तो यहां पे एक विलेज काउंसिल या कोर्ट बनी, ये कोर्ट क्या करेगी? ट्रायल कर सकती है, सू कर सकती है फॉर द केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, राइट। दे कैन ऑल्सो मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, रोड्स, मार्केट। अब ये कैसे मैनेज करेंगे? इनको पैसा चाहिए होगा, तो दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इम्पोज सर्टेन टैक्सेस। उसी के बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है, दे एक्ट एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। जैसा कि हमने यहां देखा था कि जो भी एक्ट्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के, वो कितने मॉडिफाई होंगे, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे, यहां पे इन ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होने के पहले ये डिसाइड कौन करेगा? यहां पे हमारे गवर्नर साहब। उसी के बाद में दोस्तों जैसा कि हमने यहां देखा था कि प्रेसिडेंट साहब को पहले संविधान जब बना था तो 10 साल में तो कमीशन फॉर्म करनी ही थी, वैसे ही ये कमीशन फॉर्म करने की जिम्मेदारी यहां पे गवर्नर के पास है। गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। बट यहां पे आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलने वाला है कि आप देखिए जो गवर्नर है, ही मे डिसॉल्व ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमीशन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल काउंसिल, मतलब इसको बर्खास्त कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी के बाद में दोस्तों आखिरी में कंक्लूड करते हुए, हमने आर्टिकल 244 और 244 ए तो स्टडी कर लिया है, जिसमें कि फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल में जिस तरीके से गवर्नेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, स्केड्यूल एरिया, स्केड्यूल ट्राइब्स का और ट्राइबल एरियाज का। एंड करूंगा दोस्तों आर्टिकल 339 से, विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहला देखिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जब इलेक्शंस हुए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का कंट्रोल रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। देख तो
ये आपने देखा अभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो चुनाव हुआ था उसी के बाद में दोस्तों मैं ये भी बता दूं 2014-15 में हमारी सरकार ने ये एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेंट्रल लेवल पे फॉर्म करने की भी कोशिश करी थी, जिसका कि आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप में दिखा के ये लेक्चर यही एंड करता हूं। सरकार ने आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को बनाने और उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे। आदिवासी समाज के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार तमाम योजनाएं बना रही है। इन्हीं तमाम कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय मामलों के मुख्य सचिवों और सचिवों के सम्मेलन में ये जानकारी दी। प्रस्तावित परिषद की साल में एक या दो बार बैठक होगी। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। परिषद का काम देश भर में आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की निगरानी करना होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के सफलतापूर्वक अमल के मामले में समाज की अधिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। जुएल उरांव ने पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याओं को अलग तरह की बताया और कहा कि इन पर विचार के लिए गुवाहाटी में अलग से क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा एक वीडियो जो कि डील कर रहा था हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ट्रूली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ स्केड्यूल एंड सिक्स्थ स्केड्यूल एंड इन ऑल द होल पार्ट 10 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू कॉमेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियोज। इन द एंड कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे।